दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। यह आज़ादी हमें कोई विरासत में नहीं मिली, बल्कि इस आज़ादी के लिए माँ भारती ने अपने अनेकों वीर सपूतों के बलिदान दिए हैं। उनमें से ही एक वीर ऐसे भी थे जिन्होंने बिना हथियार उठाए हमारी आज़ादी की लड़ाई में अंत तक डटे रहे। भारत को अंग्रेजों के से मुक्त कराया। अब हम उनके जीवन काल के बारे में जानेंगे। कहानी का शीर्षक है गांधी जी के आदर्श। वह एक लड़का था, उसका नाम मोहन था। वह राजकोट के एक स्कूल में पढ़ रहा था। वह पढ़ाई में बिल्कुल तेज नहीं था, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार उन्होंने श्रवण की कथा पढ़ी। श्रवण अपने बूढ़े माँ बाप जो कि अंधे थे, उनको बांस के जुए पर लटकी दो टोकरियों में ले जाता था। मोहन भी श्रवण की तरह बनने और अपने माता पिता की सेवा करने का संकल्प लिया। फिर मोहन ने राजा हरिश्चंद के जीवन काल का चित्रण करने वाला एक नाटक देखा, जिन्होंने अपना राज खो दिया और सत्य के लिए बहुत से कष्ट सहे। इस नाटक से मोहन इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटेंगे और राजा हरिश्चंद की तरह सदैव सच्चे और ईमानदार रहेंगे। आखिर कौन था ये मोहन और क्या ये श्रवण की तरह माता पिता की सेवा कर पाएगा? राजा हरिश्चंद की तरह सच्चाई और ईमानदारी के राह पे कितने समय तक चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए बापू के आदर्श।